ये गाड़ी किसकी और कौन यहाँ पार्क करके गया है? एक मिनट रुक जाए, गाड़ी की मालकिन अभी आती होगी। क्या मुझे इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? I'm sorry. मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, मैं बस अभी फौरन गाड़ी हटाती हूँ। तुम्हारी वजह से ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ मैं। सही कहते हैं कि औरतों को ड्राइव करना नहीं आता है, बिल्कुल हद होती है यार। क्या मतलब है? क्या मैंने आपसे माफी मांगी तो है, और आप मुझसे क्या चाहते हैं? और इस बात का क्या मतलब हुआ कि औरतों को गाड़ी चलाना नहीं आती? देखिए, आप मुझसे तमीज से बात कीजिए, और हाँ, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कीजिए और अपना भी। हद है यार, तमीज से बात नहीं करूंगा तो क्या करोगी बताओ? मारोगी मुझे? अब बात मत बढ़ाओ और गाड़ी हटाओ जल्दी। नहीं हटाऊंगी मैं, नहीं हटाऊंगी, जो चाहे कर ले। ये गाड़ी अब यहीं खड़ी रहेगी, चाहे तो पुलिस को बुला लें। जब तक आप मुझसे तमीज से बात नहीं कर लेते, ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, समझे? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती लड़की? आखिर बात को क्यों बढ़ा रही हो? ये क्या हो रहा है? शोर क्यों मचाया हुआ है सुबह सुबह? I'm sorry, एक प्रॉब्लम हो गई, मैं बस उसे सॉल्व कर रही हूँ। आप प्लीज मेरी वजह से गुस्सा मत कीजिए और प्लीज जाके सो जाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी शोर से आप डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू। उफ मेरे खुदा, इसे भी अभी आना था। आप शुक्र अदा कीजिए इसका, इसकी वजह से आप बच गए, वरना मैं अपनी गाड़ी हर किसी गाड़ी हटाओ अपनी, सब कुछ हटा जल्दी करो। मसला था क्या? ये ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए इन्होंने सबकी सुबह खराब कर दी। अल्लाह माफ करे, बहुत ही कोई बदतमीज इंसान था, खराब कर दिया मेरा मूड। मैं गाड़ी हरगिज़ ना हटाती, लेकिन चलो खैर। और अब ये देख लो कि मैं अपनी गाड़ी हटा रही हूँ, क्या अब तुम्हारे पास कुछ और है कहने को? ओफ, ये तो हद हो गई, ये सब इस आदमी की वजह से हो रहा है। देख रहे हो ना, तुम्हें सुकून मिल गया, देख रहे हो ना? चुप भी हो जाओ। इस बंदे ने तो मुझे सुबह सुबह पागल करके रख दिया, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ओह गॉड, ख्याल से। अरे अरे, जरा देखो कोना बचा के, ऊपर करो। हाँ यार, कोई भी काम ठीक से होता है कभी तुमसे? अरे आराम से, शोर मत करें ज्यादा, यहाँ आगे पीछे लोग रहते हैं, डिस्टर्ब होंगे। ये क्या कर दिया मैंने? ओह गॉड, अब कौन आगे नहीं धराम करने? तुम्हें यही वक्त मिला था क्या शिफ्टिंग का? I'm really sorry, मुझे स्टेप नहीं दिखा और मैं स्लिप हो गई। मैं अभी उन्हें यही कह रही थी, यहाँ पे आगे पीछे लोग रहते हैं, ज्यादा शोर ना मचा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। और मैं करती भी क्या, वो मेरा सामान खराब कर देते। मैं आपसे दोबारा माफी मांगती हूँ, सब कुछ बहुत अचानक हो गया। मैं आज ही अजमेर से आई हूँ, मुझे यहाँ सामान शिफ्ट करवा के ऑफिस भी पहुँचना है, मेरा आज पहला दिन है ना वहाँ, तो मैं लेट नहीं होना चाहती, क्योंकि आप तो जानते हैं ना पहला इंप्रेशन कितना काउंट करता है। इसलिए अगर मैं लेट पहुँची तो सबके सामने मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, यू नो ना, वो जो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात है ना, वो कहावत बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मेरा आज का दिन बहुत खराब जा रहा है। नीचे मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं नेबर के दरवाजे पे गिर गई। नेबर? जी हाँ। नेबर, देखो तुम्हारी वजह से मेरा आज पूरा दिन खराब गुजरेगा। मैं पिछले दो दिन में सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ, और बदकिस्मती से आज भी नहीं सो सका। जानती हो क्यों? नहीं क्यों? बेशर्मी की कोई हद होती है यार, पूछ भी रही हो आगे से। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्यों नहीं सो सके? हम तो आज ही मिले हैं, मेरा मतलब तो ये है कि हम अभी तक मिले ही नहीं। चले, मैं पहले आपको अपना तारुफ करवा देती हूँ। मैं, मेरा नाम नैना है, और आप? और मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। हाँ? इस इंसान में तो इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। बेहुदा शिफ्टिंग के दौरान अगर थोड़ा सा शोर हो भी गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो इस तरह से गुस्सा हो रहा है जैसे मैंने जानबूझ के शोर मचाया हो। देखो ये फिर गिर गया, आखिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? जानबूझ के थोड़ी गिरा रही हूँ चीजें, ये तो गलती से हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि शोर ना हो, सब मैं अकेले ही कर रही हूँ, हेल्प के लिए यहाँ कोई मौजूद नहीं। जरा नीचे भी आके देख लो, पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही। आ रही हूँ, सब्र करो। इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, आओ आओ ऊपर। तुम क्या, तुम जिस गाड़ी का बता रही थी, जिसे तुमने हिट किया है, वो मेरी है। क्या ये आपकी गाड़ी है? जी हाँ बिल्कुल, ये मैंने नहीं किया। क्या कहा तुमने? हुँ? क्या ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है? हाँ, तुम इसी गाड़ी में आई थी ना? हुँ? एक तो गाड़ी हिट की और ऊपर से झूठ कह रही। अच्छा
ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये गलती मुझसे हुई है, पर पहले आप मुझसे ये पूछे तो ये हुआ कैसे? वहाँ सामने से एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था, उसने इतना पैनिक क्रिएट किया कि मुझे अपनी गाड़ी रिवर्स करना पड़ी और इसी वजह से मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से जा टकराई। मैंने जान के नहीं किया ये सब, आप देख लीजिए, ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, बस बैकलाइट ही तो टूटी है और ये जो बम्पर का मसला है वो वैक्स पॉलिश से हल हो जाएगा। मैं पे कर दूंगी आपको। तुम पे करोगी? तो ठीक है फिर, लाओ अभी इस वक्त। हाँ अभी। ठीक है, ये तुम्हारा कर्ज है, मुझ पर मैं अदा करूंगी, मगर मैं अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ और आप जानते हैं ना इन कामों में कितना खर्चा होता है, और यकीन कीजिए इस शिफ्टिंग में तो मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, सैलरी मिलते ही आपको पेमेंट कर दूंगी। यार तुम किस किस्म की इंसान हो आखिर? हाँ, जब से आई हो जिंदगी अजाब बना दी। मैंने बनाई अजाब? हाँ बिल्कुल। अब मैंने नहीं, इस चिड़चिड़ेपन ने आपकी जिंदगी अजाब बनाई है। चिड़चिड़ा? सुबह सुबह शोर करके पहले मेरी नींद खराब की, फिर सोना चाहा तो सामान दरवाजे पे गिरा दिया, मेरी गाड़ी हिट कर दी, फिर मुझे कह रही हूँ कि मैं चिड़चिड़ाऊँ। हाँ बिल्कुल। गाड़ी में बैठो और जाओ यहाँ से, जल्दी करो। हाँ हाँ जा रही हूँ। मैंने कहा जल्दी। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का, वैसे भी मैं जा ही रही थी, तुमने खुद मुझे आवाज देके रोका, टाइम बर्बाद कर दिया मेरा। चुप हो जाओ, मेरा दिमाग मजीद मत खराब करो। और हिसाब बता देना मुझे सारा। ओह ओह गॉड। या अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं जरूर ख्वाब देख रहा हूं। एक सेकंड जरा रुको। तुम ये कह रहे हो कि लड़की तुम्हारे अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई जिसने बहुत शोर किया सुबह सुबह, सोने नहीं दिया तुम्हें, ऐसा ही है? वो अजीब पागल लड़की है, उसने आते ही मेरा जीना हराम कर दिया, और उसको भी पूरे शहर में मेरा ही अपार्टमेंट मिला था रहने के लिए। ये तो अच्छी बात है, चलो तुम्हें मौका तो मिला लव स्टोरी शुरू करने का। यार मुराद मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, उस बेवकूफ लड़की की वजह से आज वाकई मेरा दिमाग घुमा हुआ है। यार मुझे लगता है तुम फजूल में बात बढ़ा रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए तुम्हें किसी लड़की को जानने का मौका मिल रहा है। यार मुझे लगा था तुम मेरी बात समझोगे, लेकिन शायद मेरा ही दिन खराब है। अच्छा सुनो तो सिनान, मुझे लगता है वो लड़की इतनी खूबसूरत नहीं है, है ना, वरना तुम इतना गुस्सा ना होते। यकीनन ऐसा ही है, वरना अभी तुम डिनर प्लान कर रहे होते। यार उसने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया था कि मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, वैसे अगर वो थोड़ी बहुत भी खूबसूरत होती तो मैं नोटिस कर ही लेता। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। रूम नंबर 3 की रिपोर्ट्स आ गई हैं और ये आपके लिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिनान। डॉक्टर सिनान। हाँ आप ठीक तो हैं? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपार्टमेंट में एक बेवकूफ लड़की शिफ्ट हो गई है। ओह लड़की शिफ्ट हो गई है? ओह डॉक्टर वाकई ये तो बहुत बड़ा मसला है, क्या वो लड़की खूबसूरत भी है? खूबसूरत नहीं एक बला है, जब से आई है एक सेकंड सुकून का नहीं मिला मुझे, उसके आते ही मेरी जिंदगी अजाब हो गई है, जहन्नम बन गई। और हाँ एक बात बताऊं मैं आपको, उसके साथ गुजारे हुए मेरी जिंदगी के 10 मिनट 10 बरस के बराबर, पूरे 10 बरस। ओ हाँ। समझ आई आपको? बिल्कुल समझ गया मैं। रूम नंबर 5। ओके। ओ गॉड, लगता है जल्दी आपको। सॉरी, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया, ये अचानक हो गया। इसो की कोई बात, ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ क्या कर रही हो, पीछा कर रही हो मेरा? क्या आप भी यहाँ जॉब करते हैं? आप ठीक तो हैं डॉक्टर सिनान? नहीं मलिक, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। किसी पागलखाने को कॉल करो, उनसे कहो मुझे ले जाए यहाँ से। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, मैं जरूर एक भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। सॉरी कहा तो है मैंने, आप इतने रूड क्यों हैं? मलिक मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हें ये लड़की नजर आ रही है जिसके करली हेयर से और मुसलसल बोले जा रही है? ये बिल्कुल है भी बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई बात नहीं है, मैं तो सच कह रहा हूँ। मलिक ओह तो मुलाकात हो गई तुम दोनों की? मैंने तुम्हें बताया था ना दो असिस्टेंट आने वाले हैं, उनमें से एक ये है नैना। नैना ये है डॉक्टर सिनान जिनके साथ अब तुम काम करोगी। बाय द वे तुम्हारा ड्रेस गंदा हो चुका है, जाकर चेंज कर लो इसे। एक मिनट रुको मुराद। हा? क्या कहा तुमने, मैं समझा नहीं। यही के जाके चेंज कर लो। नहीं मेरे नहीं, इस लड़की के बारे में। इसके बारे में क्या कहा, दोबारा कहो। हाँ ये आज से तुम्हें असिस्ट करेंगी। नहीं मुराद मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ आओ। मुराद हाँ? एक बात सच सच बताओ मुझे, ये तुम सब लोग मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? हाँ क्या मतलब, कैसा मजाक, क्या हो गया तुम्हें?
याद है सुबह मैंने तुम्हें एक लड़की के बारे में बताया था? हाँ? तुम्हें मालूम है ये वही लड़की है। क्या वाकई? हाँ ये वही है। क्या तुम? हाँ यार मतलब वाकई ये वही लड़की? हाँ यार ये वही है, सच कह रहा हूँ। क्या हो गया यार? तो इसी के साथ अब तुम काम करोगे? यार मुराद मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। ये जितनी मासूम नजर आ रही ना है नहीं बल्कि आफत है। देखो ना आती साथ कॉफी गिरा दी इसने मुझ पे। देखो मुझे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए, मैंने दी थी ना एप्लीकेशन, मैं वापस लेता हूँ बस। खुदा के लिए मुराद प्लीज यार मेरी मदद। बच्चों जैसी बातें मत करो यार, बात को मत बढ़ाओ। शिफ्टिंग करते हुए शोर तो होता ही है। और इसका क्या? सिर्फ कॉफी ही तो है? सिर्फ यही तो नहीं है यार, सुबह उसने मेरी गाड़ी भी हिट की अपनी गाड़ी से। अभी आए हुए उसे वक्त ही कितना हुआ है, उसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। प्लीज समझ यार, नहीं चाहिए मुझे कोई असिस्टेंट। अच्छा सिनान ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी ये शिकायत हायर अथॉरिटी तक जरूर पहुंचा दूंगा। और हाँ हर बात दिल पर नहीं लेते मुराद, अगर अब आप इजाजत दें तो मैं जाकर पेशेंट चेक कर लूं, क्योंकि वो मेरा वेट कर रहा है। और जल्दी से चेंज करो आप। क्या नैना है आपका नाम? जी हाँ। आप डॉक्टर सिनान से काफी डरती हैं, मगर एक बात बताओ, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। पर शायद थोड़े गरम मिजाज हैं। हाँ वो तो है। नैना। हाँ। बाजिल तुम यहाँ? तुम क्या कर रही हो यहाँ? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे कॉल आई कि यहाँ कोई वैकेंसी वगैरह है, मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मैं सेलेक्ट हो गई। फिर मुझे डराने लगे कि जॉब थोड़ी टफ होगी, लेकिन तुम तो मुझे जानते हो। मैं जानता हूँ, आने से पहले मुझे कॉल तो की होती नैना। मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम यहाँ पे जॉब करते हो, अगर मालूम होता तो क्या कॉल नहीं करते। खैर तुम कहाँ थी? काफी अरसा गुजर गया तुमसे रब्ता नहीं हुआ। तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? ठीक तो हैं? हाँ वो ठीक है। क्या हुआ? प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये साल थोड़ा बिजी गुजरा इसलिए बस। तुम्हें बहुत मिस किया यार। क्या हो रहा है? तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हाँ बिल्कुल, नैना मेरी बहनों की तरह है और मिस नैना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरी जूनियर थी। मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। ये क्या है? आहा, बहुत खूबसूरत नजारा है। भले काम पे ध्यान दो। जी ठीक है। 855 चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। ये बताइए पेशेंट का नाम क्या है? अहमद नाम है इनका। तो क्या मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए? हाँ मैं जाती हूँ। गुड लक, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो हाजिर हूँ मैं। थैंक यू बाजिल, सी यू। पागल है। मैडम ये कैसे हुआ? मैं और अहमद घर में बैठे टीवी देख रहे थे। हाँ तो बस ये सब बैठे बैठे हो गया। क्या आप लोग घर पर ऐसे बैठते हैं? नैना। ओके चुप। प्लीज कंटिन्यू। जब अहमद उठे तो बेहोश हो गए, मुझको ऐसा लगा कि हार्ट अटैक हो गया है। अच्छा आई एम सो सॉरी, रुकिए। क्या आपके पास चाबी नहीं है इसकी? वो दरअसल अहमद की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम जल्दी जल्दी आ गए और चाबी घर पर रहे। इधर आ जाइए प्लीज। मिस्टर अहमद आपको यहाँ कोई दर्द महसूस हो रहा है? और यहाँ? यहाँ हो रहा है। समझ गया, मेरी हेल्प करवाएं प्लीज। यहाँ दर्द हो रहा है? ओ ओ हाँ यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ओके। जब आप पुश कर रहे हैं तो पेट में शदीद तकलीफ हो रही है। ओह ओह ठीक है ठीक है, आप इधर आइए। आई एम सॉरी, ये लीजिए। अच्छा बात सुनो, जल्दी से जाओ और इनके पहनने के लिए कोई गर्म चादर लेकर आओ। हाँ ओके अभी लाई। सॉरी अगेन। बेटी की कॉल आ रही है। हेलो हेलो, ये मेरे फादर का फोन, आपके पास कैसे? दरअसल आपके फादर इस वक्त हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में, इसलिए मैंने फोन रिसीव किया। मैं उनकी डॉक्टर बात कर रही हूँ। क्या क्या हुआ है मेरे फादर को? अरे परेशानी की कोई बात नहीं, आपके फादर इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं और काफी पॉसिबिलिटी है उनके आज ही डिस्चार्ज होने की। वो वाकई ठीक है ना? हाँ हाँ फिक्र मत कीजिए, बल्कि खुद आके देख लीजिए। मैं एड्रेस सेंड कर देती हूँ ताकि खुद ही देख के तसल्ली कर लें आप। एक बात बताओ, वो जो डॉक्टर सिन्हा ने, वो तो बिल्कुल बौखला गए थे। जो नई लड़की नैना आई है ना, वो बहुत बड़ी मुसीबत है। और जानती है उसने तो
जो कॉफी थी ना वो डॉक्टर सिन्हान पे गिरा दी। उनके सारे कपड़े गंदे हो गए उस पागल लड़की की वजह से। डॉक्टर सिन्हान ने उस लड़की के बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। हाँ हाँ नहीं डॉक्टर बाजिल। डॉक्टर बाजिल ये कहिए क्या काम है? मलिक दो बातें कहूंगा मैं तुमसे। ये कहिए। एक तो ये कि मुझे गॉसिप पसंद नहीं बिल्कुल भी। समझ गया मैं। स्पेशली खवातीन के बारे में मिस्टर मलिक। दूसरी बात ये कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। जी डॉक्टर बिल्कुल समझ गया मैं। अच्छी बात है। बाय द वे नैना एक अच्छी लड़की है बल्कि अच्छी डॉक्टर भी है। आई थिंक तुम समझ गए। ये आपने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? जब देखो मेरा टाइम वेस्ट करती रहती हो। काम क्या करो अपना। मिस्टर अहमद आपका फोन बिल्कुल सेफ है और इस पॉकेट में है। मैंने सोचा कि आप सोच रहे होंगे कि शायद गुम हो गया। ब्लड प्रेशर 135 और 80 है डॉक्टर। नॉट बैड। इस उम्र में ऐसा होना नॉर्मल है। फिक्र की कोई बात नहीं है। क्या आप सिगरेट पीते हैं? हाँ पीता हूँ पर इतना ज्यादा नहीं पीता। मैंने इतनी बार इनको छोड़ने के लिए कहा मगर ये छोड़ते ही नहीं। इनकी जो पहली बीवी है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या नैना? क्या उनकी मौत हो गई वजह स्मोकिंग? वैसे ये बोलती बहुत है लेकिन दिल की अच्छी है। अब आप काफी बेहतर लग रहे हैं। लगता है कि दर्द खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल अब दर्द नहीं हो रहा मुझे। इन्हें हुआ क्या था डॉक्टर? गैस। परेशानी की बात नहीं, इस दर्द की वजह गैस थी, बाकी नॉर्मल है सब। हार्ट अटैक नहीं हुआ था यानी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। यानी सब कुछ ठीक है। देखो तुमने कितनी तकलीफ उठाई है, इसीलिए कहती हूँ तुम सिगरेट छोड़ दो। डॉक्टर साहब ने जो कहा वो समझ आ गया ना? ठीक है तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। आपको मैंने ड्रिप लगा दी है जो तकरीबन 45 मिनट में खत्म हो जाएगी और उसके बाद काफी बेहतर महसूस करेंगे आप। अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, एक मिनट यहाँ आइएगा। जी जैसा कि आपने कहा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जी जी डॉक्टर, असल में एक दवाई है एक्सरसाइज के लिए, क्या मैं वो रेगुलर खा सकता हूँ? खा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है। वैसे मुझे जरूरत तो नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके ओके समझ गया। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मेरी बेटी को मत बताइएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। वो मेरी बेटी हम दोनों के बारे में नहीं जानती। क्या आपने उसे आते वक्त इन्फॉर्म किया था? बिल्कुल नहीं। और आपने? तो फिर उसे कैसे मालूम होगा? हम इस तरह की बातें समझ सकते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। गेट वेल सून नैना। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? क्या कोई मसला नहीं है? नहीं। वो अगर गैस ट्रबल होता तो वो तो ठीक हो जाता है, तो इमरजेंसी में ये एज अ हार्ट पेशेंट क्यों ट्रीट हो रहे हैं? नैना हो सकता है। क्या बाहर बात कर सकते हैं प्लीज? ओके गेट वेल सून सी यू। अब बोलो क्या बातें सुन रहा हूँ मैं, साफ लफ्जों में बताओ ताकि हम दोनों के लिए आसानी हो। ओके मैं ये कह रही थी कि। हाँ बताओ। तुम गुस्सा तो नहीं होंगे मुझ पे? कुछ कह नहीं सकता मैं। मेरे ख्याल से थोड़ा गुस्सा तो होगा। बच्चों वाली हरकतें बंद करो। ओके नहीं करूंगा गुस्सा। बताओ क्या बताना था तुम्हें? तो बात यह है कि तुमने मुझे पेशेंट के लिए स्क्रब लेने भेजा था ना, तो उस वक्त हाँ हाँ उनकी पैंट में से उनके फोन के बजने की आवाज आई। काफी देर से बज रहा था तो मैंने रिसीव कर लिया। रिसीव किया? तो क्या मैं ना करती? तुम आखिर कैसे किसी का फोन रिसीव कर सकती हो यार? मैं जानती थी कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगे, अब देखो ये क्या कर रहे हो। अच्छा मैं नहीं कर रहा गुस्सा, नहीं कर रहा, आगे बताओ फिर क्या हुआ। ओके फिर मैंने उनका फोन देखा तो उनकी बेटी की कॉल आ रही थी। मैंने सोचा बेचारी परेशान हो रही होगी अपने फादर के लिए। मैंने उसे फोन उठाते ही बताया कि खतरे की कोई बात नहीं है, उसके फादर बिल्कुल खैरियत से हैं, चाहो तो खुद आके देख लो। उसने फिर मुझसे एड्रेस पूछा और मैंने उसे एड्रेस बता दिया। या मेरे खुदा, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो या वाकई ऐसी हो? बताओ आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मेरा इम्तिहान लेना चाहती हो? हाँ तुम उस आदमी से पूछे बिना कैसे उसकी कॉल रिसीव कर सकती हो, बताओ मुझे। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था कि उन दोनों का क्या रिलेशन है, उनकी बेटी को इस बारे में पता है भी या नहीं? ओह माय गॉड नैना मैं पागल हो जाऊंगा। सिनान क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो नैना तुम खुद ही बताओ कि क्या मसला है, बताओ। वो एक पेशेंट के लिए मैं स्क्रब लेने गई, वहाँ उसका फोन बजा, उसकी बेटी की कॉल थी तो इसलिए रिसीव कर ली। मेरे फादर यही है। क्या नाम है आपके फादर का? अहमद नाम है उनका। अहमद? हाँ अहमद नाम है।
क्या करें अब, उनकी हथकड़ी तो अब तक नहीं खुली। अगर उनकी बेटी ने उन्हें औरत के साथ देख लिया तो क्या होगा? चलो फौरन कुछ करते हैं, चलो जल्दी। काश तुमने एक बार उसकी कॉल रिसीव करने से पहले सोच लिया होता। अच्छा ठीक है, तो आज ये नौबत नहीं आती, अब जाओ और किसी तरह रोको उसे। सिनान, मगर मैं वो। ओके ठीक है, प्लीज काम डाउन हो जाओ तुम दोनों। सिनान तुम जाओ और जाकर उसे रोकने की कोशिश करो। एक मिनट रुको, ये प्रॉब्लम इसने क्रिएट की और यही संभालेगा। डॉक्टर मेरा तो आज फर्स्ट डे है, मुझसे गलती से हो गया ये सब, मुझे क्या मालूम था। हाँ फर्स्ट डे, लेकिन फर्स्ट डे ही तुमने इतना कुछ कर दिया कि आगे पता नहीं क्या लड़की जा रही है। जाओ जाकर रोको उसे, जाओ सिनान जल्दी करो। जाओ मलिक जी। कहिए डॉक्टर। ऐसा करो, कोई कटर या कोई ऐसी चीज ढूंढो जिससे हथकड़ी कट सके। उस पेशेंट की हथकड़ी खोलो जल्दी। हथकड़ी कहा आपने? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, जल्दी करो। आह ओ मेरे खुदा, अब मैं क्या करूं? मेरे फादर कैसे हैं, क्या मैं उन्हें देख सकती हूं? दरअसल हमें आपको कॉल करने में थोड़ी सी देर हो गई, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है और तमाम रिपोर्ट्स भी क्लियर है। मैं उन्हें एक दफा देख सकती हूं ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए? हाँ जरूर, मगर वो इस वक्त सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बेहतर यही होगा। वैसे भी जब तक वो आराम कर रहे हैं हम साथ कॉफी पी लेते हैं। आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो पीनी ही पड़ेगी। मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ कॉफी पीना, चलिए ना। देखो तो कितने प्यार से बात कर रहा था। खैर मुझे इससे क्या। परेशान ना हो, मैं आ गया। क्या हो रहा है? दरअसल आपकी बेटी आ गई है। क्या क्या मतलब, कैसे आ गई? वो किसने बताया? ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे ये बस आपकी हथकड़ी काटनी है और देखिएगा अभी काट। आराम से बस कट जरा, आराम से काटिए। परेशान मत हो, अभी कट जाएगी, थोड़ी देर और बस कट जाएगी। अभी इसे काट लूंगा मैं, बस एक मिनट। मलिक ये क्या कर रहे हो तुम? ये हथकड़ी काट रहा था मैं। तुमसे अब तक एक हथकड़ी नहीं कटी, छोड़ दो तुम, लाओ दो मुझे, हटो पीछे। ऊपर से तो और जोर लगाए, मुझे यकीन है आप काट देंगे। ऐसे डॉक्टर मुराद, शाबाश, ऐसे ही। सॉरी डॉक्टर साहब। इधर आओ और संभालो इसे, किन कामों में पड़ गया हूं मैं भी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं काट लूंगा ये। यानी ऐसी सिचुएशन में भी आप मुझे कितना हंसा रहे हैं, काश हमारी मुलाकात ऐसे ना होती। हाँ लेकिन हम हॉस्पिटल में जरूर मिले हैं, बट तुम मेरी पेशेंट नहीं हो, अगर होती तो शायद अच्छा नहीं लगता। और तुम तो मेरे पेशेंट की बेटी हो, मेरा मतलब है कि अगर तुम चाहो तो हम इस दोस्ती को आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्या ख्याल? हाँ बिल्कुल, क्या आप हमेशा ही इतना ज्यादा काम करते हैं? एक्चुअली यस, मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन कुछ वक्त फुर्सत का भी मिल जाता है मुझे। ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर सिनान जी, कहिए नैना। डॉक्टर वो मैं आपके असिस्टेंट हूँ ना, तो इसलिए आपसे कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, तो इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि फ्यूचर में भी मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए? जैसे आप यहाँ सुकून से बैठे चाय पी रहे हैं और आपके पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर सिनान कब आएंगे उनके फॉलोअप के लिए। आप मिस्टर अहमद की हालत बहुत क्रिटिकल है, आप यहाँ बैठ के चाय नहीं पी सकते। क्या मतलब? उठिए जल्दी, क्या कह रही हैं इस वक्त? आप तो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। मिस पेलन एक सेकंड, मुझे नहीं पता तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन तुम बचोगी नहीं मेरे हाथ से। पेलन रुको, तुम्हें तो बाद में देखता हूँ। पेलन ओ गॉड, अब क्या करूंगी मैं? क्या मेरे अल्लाह, जल्दी काट दो प्लीज, मजा हो गया। परेशान मत मत कर दे, देखा मैंने काट दी हथकड़ी। बाबा मेरी बेटी, आ जाओ मलिक। मैं कितनी परेशान हो रही हूं, मुझे बस थोड़ा आराम कर रहा हूँ। पहले मैंने आपसे कहा था ना कि आपके बाबा बिल्कुल ठीक हैं, आप खामखा परेशान हो रही थी। माशाल्लाह। अब आप इन्हें आराम करने दें, इनके लिए रेस्ट बहुत जरूरी है इस वक्त, तब तक हम बाहर वेट कर सकते हैं। बाबा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरी प्यारी बेटी, ये क्या कर रहे हैं आप? नैना बाहर जाओ फौरन, इससे पहले मुझे और गुस्सा है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लाओ ये मुझे दो और अब बाहर जाओ। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे ख्याल से क्या कर रहा हूँ, स्टेथोस्कोप ले रहा हूँ। मिस पेलन,
आपके फादर को इस वक्त आराम की जरूरत है, हमें बाहर चलना चाहिए प्लीज। बेटा मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ जब तक, क्यों ना तुम जाकर बाहर बैठो। ठीक है बाबा जान, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, माशाल्लाह। मिस सीमा अब आप बाहर आ सकती हैं, खतरा टल गया है। मलिक नर्स से कहो कि मिस सीमा के लिए कुछ कपड़े अरेंज करें जो ये इस वक्त पहन सके। ठीक है डॉक्टर। यकीन कीजिए आपकी वजह से सब संभल गया। कोई बात नहीं भाई, तो वे अपना ख्याल रखिएगा। देखिए ना मलिक साहब, मैं तो अच्छा ही सोच रही थी, लेकिन डॉक्टर सिन्हान को कौन समझाए, गुस्सा तो नाक पे रखा होता है उनकी। डॉक्टर सिन्हान आपसे नाराज है बहुत, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे भी डॉक्टर सिन्हान का गुस्सा कुछ देर के लिए ही होता है। मलिक हाँ? कोई पेशेंट अपना मोबाइल यहाँ भूल गया है, इसे रख लो। ठीक है ये मुझे दे दो। दिखाओ ये तो किसी लड़की का फोन लग रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं कैफेटेरिया में वेट कर रही हूँ, मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ, अगर मेरे बाबा बाहर आ जाएंगे तो क्या आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगी? तुम अपना नंबर तो दे रही हो लेकिन फिर भी तुमसे बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि अपना फोन तो तुम यहीं भूल के जा रही हो। ये लो रखो। मगर ये तो मेरा फोन नहीं है। हाँ? ये तो शायद सीमा का फोन है। पहलन बेटा, बेटा मैंने जैसे ही तुम्हारे बाबा का सुना फौरन चली आई। क्या मतलब, आप पहले से यहाँ मौजूद नहीं थी? नहीं मैं तो अभी आई हूँ तुम्हारे सामने। तो फिर आपका फोन यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरा फोन? ओ मेरा फोन यहाँ पर क्या कर रहा है? पहलन मैं वो तुम्हें, मैं बाबा से खुद ही पूछ ले। पहलन 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 डॉक्टर सिन्हान इस बार मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं तो गई काम से। मलिक साहब मेरे जनाजे की तैयारी कीजिए। खुदा बचाए आपको। अबे यार बाबा, ये सीमा आपके साथ यहाँ पर क्या कर रही थी? कौन ये बेटा? वो ये मेरे साथ, वो ये आपके हाथ में क्या है? बेटा ये बाबा बाबा को कुछ हो रहा है, प्लीज कुछ करें। बाबा क्या हो रहा है आपको? काम डाउन प्लीज, साइड पे हो जाइए आप लोग, मुझे देखने दीजिए। इन्हें 300 mg एट्रोपिन दो फौरन। बाबा जान, अहमद 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 तुम ठीक तो हो ना? पापा ऑक्सीजन। बाबा बाबा जान, बाबा जान आप ठीक? इसे लगाओ जल्दी। पापा या मेरे अल्लाह, इनकी सांस अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। ठीक है। उफ या अल्लाह तेरा शुक्र है। बाबा आप ठीक है? अब ये ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। गुड जॉब नैना, तुमने इनकी जान बचाई। इनका ईसीजी हर आधे घंटे बाद चेक करो और मुझे बताओ, कोई भी मसला हो तो मुझे बताना। डॉक्टर सिन्हान, डॉक्टर रुकिए। हाँ बोलो। डॉक्टर सिन्हान, अब जबकि मैं आपका ट्रस्ट गेन कर ही चुकी हूँ तो मैं इसे खोना नहीं चाहूंगी। एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आपको। हाँ बोलो। वो हम सब कोशिश में लगे हुए थे ना कि मिस्टर अहमद की बेटी पहलन को उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना मालूम हो, हम सब छुपा रहे थे। हाँ उसे मालूम हो गया। ये हरगिज नहीं पूछूंगा मैं कि कैसे मालूम हुआ उसे। देखो ये तो वाजह है कि तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स वो नहीं कर पाते जो तुमने अभी किया अंदर मरीज की जान बचाने के लिए। लेकिन तुम आखिर ऐसी हो क्यों? हाँ क्या वाकई तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? ये कैसे हो जाता है मुझे खुद नहीं मालूम, मैं जानबूझ के थोड़ी करती हूँ ऐसा। मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत कोशिश करती हूँ फिर भी गड़बड़ हो जाती है। हाँ तो लंच कर लिया तुम लोगों ने? लंच? मुझे तो भूख लगी है। यहाँ करीब ही एक अच्छी जगह है, चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है मैं भी चलती हूँ आपके साथ, बस 2 मिनट दीजिए मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। क्या मेरा जाना जरूरी है? क्यों तुम्हें लंच नहीं करना क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है यार, मेरा मतलब इस पागल लड़की को बुलाना जरूरी था क्या? अब इसका मुझ पर खाना गिराना ही बाकी रह गया। बस करो सिन्हान, अब तुम इसे एग्जैजरेट कर रहे हो, हम लंच करने जा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं सुना। अच्छा ओके। वैसे मुझे खाने पे लड़कियों के नखरे बिल्कुल पसंद नहीं है, सैलेड ले आओ इसमें ऑयल ज्यादा है ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ लग रहा है तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है लड़कियों के मामले में। हाँ बिल्कुल, तुम तो जानते हो मेरी जजमेंट कितनी स्ट्रांग है और औरतों के बारे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो तुम लोगों को जज करते हो। यार मैं तो इंप्रेस हो गया हूँ तुमसे वाकई। वेलकम डॉक्टर। कैसे हैं अहमद? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या खाएंगे आप? वही जो हम हमेशा खाते हैं। ठीक है, और आप क्या पसंद करेंगी खाने में? हाँ नैना, अहमद साहब की बीवी बहुत मजे का खाना बनाती है, तुम खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। चलो अब जल्दी से ऑर्डर करो, क्या खाओगी? पास्ता अवेलेबल होगा? जी बिल्कुल है। गुड, तो फिर नोट करें, मुझे पास्ता चाहिए फुल प्लेट, वो भी गर्मा गर्म, और हाँ विद डबल चीज। ओके ठीक है। तीन पास्ता और हाँ जरा जल्दी करना। क्या हुआ? वो सिनान इंसानों को बहुत अच्छा जज करता है, बस उसी पे हंस रहा हूँ। मुराद स्टॉप इट यार। अहमद भाई आपका बेटा कैसा है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, आपकी बदौलत ठीक है। थोड़ी तबीयत समझ जाए तो आपसे मिलवाने लाऊंगा मैं उसे। हाँ हाँ जरूर लाइएगा, बहुत याद आता है, प्यार दीजिएगा उसे। जी बिल्कुल। क्या हुआ इनके बेटे को? कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। आई थिंक तुम्हारे साथ तो होते रहते होंगे, वैसे तुम्हारे ऊपर एक बोर्ड लगना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए खतरा, फासला रखिए वरना किसी भी किस्म के नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। डॉक्टर आप भी फासला रखिए, आप भी इर्द गिर्द हैं मेरे। हाँ बोलो मलिक। नहीं हॉस्पिटल में नहीं हूं मैं। ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। सब ठीक तो है? एक हार्ट अटैक का केस आया है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं, तुम बैठो लंच करो, मैं देख लूंगा। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल। अहमद भाई एक कैंसिल कर देना। जी ठीक है। ये डबल चीज और ये आपका। थैंक यू सो मच अहमद भाई। एंजॉय योर मील। सो डिलीशियस। नैना दिखने में बिल्कुल पागल जैसी है, लेकिन उसने जो आज किया वो काबिल तारीफ है। मरते हुए आदमी को बचाया है आज उसने। यकीन करो मेरे जैसा काबिल इंसान भी ऐसा ना कर सकता। उसकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई है जी। अगर तुम उसे देख लो ना तो तुम्हारे लिए भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो किसी की जान बचा सकती है। मलिक। ओ माँ। माँ नहीं डॉक्टर बाजल। जी डॉक्टर बाजल। मैंने कहा था ना कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ आपने कहा था। हाँ कहा था है ना, मगर बुराई तो नहीं कर रहा था मैं तो डॉक्टर नैना की तारीफ कर रहा था। अगर यकीन नहीं है तो इनसे पूछ लीजिए, मुझे तो बहुत खुशी हुई जो उन्होंने किया। खामोश क्यों बैठी हो? डॉक्टर साहब को बताओ ना, अगर मेरे बस में होता तो मैं उसको नोबेल प्राइज दे देता, यकीन कीजिए मेरा। नोबेल प्राइज? हाँ हाँ बिल्कुल नोबेल प्राइज। मलिक खुशकिस्मती है तुम्हारी, इस वक्त मैं अच्छे मूड में हूँ, फिर से वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, नेक्स्ट टाइम ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। समझ गया मैं। प्लेट तो नहीं खा जाओगी साथ में? और कुछ चाहिए डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बिल ले आइएगा प्लीज। डॉक्टर साहब बगैर चाय पिए कैसे जा सकते हैं आप यहाँ से? आई थिंक चाय से दूर रहना चाहिए मुझे, क्या भरोसा फिर कोई मुझ पे गिरा दे। मेरे लिए एक चाय ले आइएगा। जी अभी ला। कंडीशन काफी बेहतर है अब। मिस्टर अहमद टेस्ट भी क्लियर है, लेकिन अब आप स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है? अरे तौबा तौबा तौबा, अब तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है तो हम आपको 24 आवर्स तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, कल मैं कुछ टेस्ट करवाऊंगा, उसके बाद आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। शुक्रिया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, माफ कीजिएगा थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका। जी कहिए। सबसे पहले तो मैं इस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अगर ये ना होती तो आज मैं जिंदा ना होता। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है, और मेरी वजह से काफी टेंशन भी क्रिएट हो गई। अरे नहीं नहीं, दरअसल इस तरह से मैं ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कोई राज नहीं रहा, मैंने अपनी बेटी को सब बता दिया और मैं खुश हूँ कि ये मुझे समझ गई। आप से एहतियाब हो जाए बाबा जान, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी प्यारी बेटी, हमारी शादी बहुत जल्द होगी, मैं चाहता हूँ आप लोग भी आए। सो रोमांटिक।
I'm sorry. Get well soon. Get well soon. डॉक्टर साहब, माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा, क्या आप दोनों के बीच में कुछ क्या वो नैना? नहीं 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 नहीं, पता नहीं आपके जहन में ये कहां से आया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कम ऑन डॉक्टर, मैं और सीमा भी तुम लोगों की तरह ही लड़ते थे और देख लो फिर क्या हुआ। हाँ, हम लोग शादी कर रहे हैं। एक बात याद रखना, प्यार कब और कहां मिल जाए कुछ पता नहीं होता डॉक्टर। और एक और बात, ये सब किताबों में नहीं लिखा, ये मैंने खुद जी के सीखा है। मेरी एडवाइस है तुम्हें। थैंक यू, थैंक्स। आओ मेरी बेटी। तो बताओ गाइस, क्या सोचा फिर, आज रात का प्लान क्या है? मैं तो आज शाम डेट पर जा रहा हूँ दोस्तों। अच्छा, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी आ रही है, उसके साथ जा रहा हूँ। वैसे ये बहुत मुश्किल है यार, क्या कहूँ, तुम दोनों के लिए काफी मुश्किल वक्त है ये। क्या कर सकते हैं, वैसे भी उसके काफी दोस्तों के पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, उसे भी आदत हो ही जाएगी। सिर्फ उसके पेरेंट्स नहीं है जो सेपरेटेड हैं। एनीवेज, तुम लोग बताओ। वैसे ऑनेस्टली मैं तो बस मैच देखूंगा बैठ के, और कुछ करने को है ही नहीं मेरे पास। वैसे भी मैं आज का दिन भूलना चाहता हूँ, खासतौर पर उस नैना को। सिनान, ठीक है वो बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसकी बचकाना हरकतों ने मुझे बहुत परेशान किया। हाँ समझ गए, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं उसके साथ। यार तुम लोग इतनी साइड क्यों ले रहे हो उस लड़की की? ओके, सी यू गाइस। हेलो अम्मी जान। जी जी मैं ठीक हूँ जी, फर्स्ट डे बहुत अच्छा रहा मेरा। बस अभी मार्केट से कुछ ज़रूरत का सामान लेकर घर वापस आई हूँ, अभी वही सामान गाड़ी से निकाल रही हूँ जी। शिफ्टिंग आराम से हो गई। ओह गॉड, बदतमीज इंसान। अम्मी आप फ़ोन रखिए, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करती हूँ। पानी पी से गाड़ी गुजरी और सारा कीचड़ मुझ पर आ गया। जी जी सब ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करती हूँ, आप प्लीज़ फ़ोन रखें। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। I think it's so funny. I don't think so. अच्छा, वैसे तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, थोड़ी मदद ही कर दो मेरी, देखो पूरी गीली हो गई हूँ। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। ओके। सॉरी, कपड़े गंदे हो गए मेरे। लाओ दो मुझे। मैं जब से इस्तांबुल आई हूँ मेरे साथ पता नहीं क्यों अजीब अजीब से वाकयात होते जा रहे हैं। यही कह सकते हैं कि इस्तांबुल मेरे लिए अनलकी है। तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ना। क्या मतलब, क्या ये मेरी गलती थी? हाँ है, छोड़ो इस बारे में मैं मजीद बात नहीं करना चाहती। मैं घर जाऊंगी, फ्रेश होंगी, टीवी ऑन करूंगी, कुछ देर वो देखूंगी और सो जाऊंगी। वैसे आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। लो तो घर आ भी गया मेरा, ये लो। थैंक यू। चलो सुबह मिलते हैं अगर तुम सही सलामत रही। श्योर। गुड नाइट। गुड नाइट। ओ गॉड, मैंने चाबी कहाँ रख दी?